नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेन थीटा माइनस फोर बाई टेन थीटा इक्वल टू थ्री देन साइन स्क्वायर थीटा बताना है। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ऑलमोस्ट। टेन थीटा माइनस फोर बाय टेन थीटा इक्वल टू थ्री है, तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे। ये टेन इंटू टेन, टेन स्क्वायर थीटा माइनस फोर बाय टेन थीटा इक्वल टू थ्री। ये टेन थीटा उधर जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस फोर इक्वल टू थ्री टेन थीटा। थ्री टेन थीटा इधर आएगा, टेन स्क्वायर थीटा के बाद लिख लेते हैं इसको, माइनस थ्री टेन थीटा माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन पिछले वाले में बाय चांस हमारा ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर बन गया था, टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, लेकिन ये ऐसे किसी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसको लेट करके ही करेंगे। लेट टेन थीटा को आप एक्स मान लीजिए, तो टेन थीटा को एक्स लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये देखिए बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमें मल्टीप्लाई में चाहिए माइनस फोर और सम चाहिए माइनस थ्री, ठीक है। तो माइनस फोर इंटू वन ले लेते हैं, माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर, माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस एक्स में स्प्लिट कर देते हैं, इन दोनों का सम माइनस थ्री एक्स ही होता है और मल्टीप्लाई माइनस फोर ही बनेगी। तो माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। ना फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स कॉमन लेंगे, यह आएगा एक्स माइनस फोर और प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वन कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस फोर। ना दोनों टर्म्स में से एक्स माइनस फोर कॉमन, इसमें बचेगा एक्स यहाँ प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ना एक बार एक्स माइनस फोर को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे और एक बार एक्स प्लस वन को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। तो फोर उधर भेजेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी फोर, और वन उधर भेजेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन। तो देखो अभी तक हमने, अच्छा पहली चीज एक्स हमने क्या माना था, टेन थीटा। तो ये एक तरह से टेन थीटा की वैल्यू आई है, टेन थीटा आपका आ गया फोर और टेन थीटा आपका आ गया माइनस वन। तो अभी हमने नेगेटिव वैल्यूज़ वाले तो किए नहीं है, वो आपके जो है इलेवंथ क्लास से स्टार्ट होंगे। तो ये वाला ऑप्शन तो जो है हम नेगलेक्ट करेंगे, इससे ही वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और वैसे आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा कि टेन थीटा जो है फोर किस वैल्यू पे होती है, ठीक है। जैसे पिछले वाले में तो टेन थीटा की वैल्यू वन आ गई थी, तो वो तो 45 डिग्री पे होती है, तो हमने डायरेक्ट इसमें 45 डिग्री डाला, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ हमें नहीं पता टेन थीटा फोर किस पे होता है, तो दूसरा तरीका हम कर सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाय बेस वाले मेथड से साइन थीटा में कन्वर्ट कराएंगे। तो फोर के अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन में वन मान लेते हैं, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपका फोर हो गया, बेस वन हो गया, डायरेक्ट हाइपोटेन्यूस निकालते हैं, फोर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर उसका रूट, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन का अंडर रूट, हाइपोटेन्यूस आ रहा है आपका रूट सेवनटीन। अगर आप के रेशियो लगाएंगे तो रूट सेवनटीन के आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले साइन थीटा लिखते हैं कितना होगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है फोर और हाइपोटेन्यूस है ये रूट सेवनटीन। अब स्क्वायर करा देते हैं दोनों साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बाय रूट सेवनटीन का स्क्वायर हो जाएगा सेवनटीन। तो ये आपका सिक्सटीन बाय सेवनटीन आंसर आ रहा है, जो कि सी पार्ट करेक्ट है।